अलिफ लाम मीम, ये किताब यानी कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह का कलाम है, परहेजगारों के लिए रहनुमा है। लोगो, जो किताब तुम पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से नाजिल हुई है उसकी पैरवी करो और उसके सिवा और रफीकों की पैरवी न करो, और तुम कम ही नसीहत कबूल करते हो, और तुम्हारे परवरदिगार की बातें सच्चाई और इंसाफ में पूरी हैं, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, और वो सुनता है जानता है। और अक्सर लोग जो जमीन पर आबाद हैं गुमराह हैं, अगर तुम उनका कहा मान लोगे तो वो तुम्हें अल्लाह का रास्ता भुला देंगे, ये महज गुमान के पीछे चलते और निरे अटकल के तीर चलाते हैं। तुम्हारा परवरदिगार उन लोगों को खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटके हुए हैं, और उनसे भी खूब वाकिफ है जो रास्ते पर चल रहे हैं। भला ये कुरान में गौर क्यों नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता तो इसमें वो बहुत सा इख्तिलाफ पाते। और ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही के पढ़ने के लिए अपनी जबान को तेज तेज हरकत ना दिया करो कि इसको जल्द सीख लो, इसका जमा करना और पढ़ाना हमारे जिम्मे है, सो जब हम इसे पढ़ा करें तो तुम उसको सुना करो और फिर उसी तरह पढ़ा करो, फिर उसके मानी का बयान भी हमारे जिम्मे है। और अपने परवरदिगार की किताब को जो तुम्हारे पास भेजी जाती है पढ़ते रहा करो, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, और उसके सिवा तुम कहीं पना भी नहीं पाओगे। और जो लोग सुबह शाम अपने परवरदिगार को पुकारते और उसकी खुशनूदी के तालिब हैं, उनके साथ सब्र करते रहो, और तुम्हारी निगाहें उनमें से गुजर कर और तरफ न दौड़े कि तुम दुनियावी जिंदगी की रौनकों के खास्तगार हो जाओ। और जिस शख्स के दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और वो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करता है और उसका काम हद से बढ़ गया है, उसका कहा न मानना। और कह दो कि लोगों, ये कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है, तो जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे काफिर रहे, हमने जालिमों के लिए दोजख की आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उनको घेर रही होंगी, और अगर फरियाद करेंगे तो ऐसे खौलते हुए पानी से उनकी दादरसी की जाएगी जो पिघले हुए तांबे की तरह गर्म होगा और जो उनके चेहरों को भून डालेगा, उनके पीने का पानी भी बुरा और आरामगाह भी बुरी। बेशक ये किताब नसीहत हम ही ने उतारी है और यकीनन हम इसके निगहबान हैं।